Hey guys, welcome to my channel. This is Priyashree Rao and welcome to Pink Forest Villa. आज की जो वीडियो होने वाली है वो पूरी तरीके से लड़कियों के लिए होने वाली है बिकॉज आज के वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में, सैनिटरी पैड्स के बारे में. एंड ये जो वीडियो है ये काफ़ी एजुकेशनल होने वाली है. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप यहाँ पर नए हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप नोटिफाई रहे तब भी मैं न्यू अपलोड करूँ. साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज जिस सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में बात करने वाली हूँ दैट इज फ्रॉम द ब्रांड एवरटीन. एंड Everteen is a one of the best brand when it comes to female hygiene. And बहुत सारे लोग आपको इसके बारे में बात करते हुए पता लग जाएंगे, लेकिन उन्होंने इनके different products के बारे में बात किया होगा, like tampons के बारे में बात किया होगा या फिर menstrual cup के बारे में बात किया होगा. But आज मैं इनके sanitary napkins के बारे में बात करने वाली हूँ because ये जो है sanitary napkin भी बनाते हैं, ना कि केवल जागरूकता फैलाते हैं menstrual cup and tampons के बारे में. So this is Everteen desirable always जो है सैनिटरी नैपकिन है. इट हैज कम्स विद टू वेरियंट, लाइक फर्स्ट वन इज कॉटन सॉफ्ट टॉप लेयर एंड द सेकेंड वन इज कॉटन ड्राई टॉप लेयर. तो ये सॉफ्ट फॉर्म में है एंड ये ड्राई फॉर्म में है. सो जिनको भी जो सूटेबल लगता है वो ले सकते हैं. सो दीज आर, सबसे पहले तो मैं इनकी बात करने वाली इन दोनों सैनिटरी नैपकिन के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर वेरी अफोर्डेबल गाइज, एंड अफोर्डेबल के साथ साथ ये जो टेक्नोलॉजी जो बनाते हैं ये एकदम विदाउट टचलेस टेक्नोलॉजी, विदाउट क्या बोलते हैं, टचलेस टेक्नोलॉजी के साथ ये बने हुए हैं. तो इनको बनाने के लिए हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है. सो द कॉटन सॉफ्ट जो है उसका जो प्राइस है वो है 95 रुपीज, एंड जो ड्राई का, जो कॉटन ड्राई टॉप लेयर का जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल. साथ ही साथ जो पैड की जो क्वांटिटी आपको मिलती है, ईच वन ऑफ देम हैज़ 20 सैनिटरी नैपकिन इसके अंदर हैं. साथ ही साथ जो है ये जो सैनिटरी नैपकिन है कॉटन सॉफ्ट, जिनको भी रैशेज इचीनेस बहुत ज़्यादा होती है उन लोगों के लिए परफेक्ट रहता है, या फिर आप घर में रहते हो तब आपके लिए बहुत परफेक्ट रहता है क्योंकि ईजिली आप सारा काम इसे कर सकते हो, खास करके हाउस वाइफ के लिए बहुत सही तरीके के हैं. सो ये एक्सल मेरे पास जो है वो एक्सल है, और इसका जो विड्थ है वो 28 mm है, विच इज वेरी नाइस. इट हैज नीम एंड सनफ्लावर ऑयल, स्किन फ्रेंडली है, एंटी रैशेज है और एंटी टैनिंग है. इसका जो ग्लू है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो आपकी पैंटी लाइन से बहुत अच्छे से वो सटके रहता है एंड इधर उधर नहीं होता, विच इज़ ग्रेट. कॉटन सॉफ्ट लेयर है तो आपको रैसेज एंड इचीनेस नहीं देता है, विच इज़ वन ऑफ द ग्रेट पार्ट. ऑल्सो ये जो है एडवांस लीक प्रोटेक्शन के साथ आता है, ये ऑर्डर फ्री टेक्नोलॉजी के साथ बनता है, तो आपको जो एक आपके पीरियड ब्लड के साथ मिक्स करके कुछ एक अजीब सी स्मेल जो होती है, समटाइम लोगों को बहुत वॉमिटिंग जैसा फील भी होता है खास करके बरसात के मौसम में, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है. साथ ही साथ एक्स्ट्रा लॉन्ग पैड है विद विंग्स, तो विंग्स आपको पता है आप पैंटी के साइड में लगाते हो जिससे जो है जो कई बार फ्लो अगर तेज होता है तो आपके आसपास के एरिया को वो खराब नहीं करता है, लाइक आपके बिकनी लाइन को वो खराब नहीं करता है. सो दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, मैं आपको अंदर से एक बार खोल के दिखा देती हूँ. हालांकि मैं इनको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ बेसिकली दिस सॉफ्ट वर्जन, बिकॉज यूट्यूबर्स बेसिकली घर ही रहते हैं. सो बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो है पैक होके आता है, यू गाइस कैन सी. एंड पीछे से इसकी जो टेप आप यहाँ पे निकाल दोगे, एंड साथ ही साथ ये जो यहाँ से जो पैड है ये बहुत अच्छे हैं. एंड दिस इज द विंग गाइज, ये इनका विंग्स है. तो एज यू गाइज कैन सी इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन. और लॉन्ग होने से अच्छा क्या होता है कि जो आपका जो लॉन्ग होने से बेस्ट बात क्या होता है कि ये पीछे से लेकर के आगे तक को कवर करता है, आपको पूरा पीछे पूरा आपको कवर देता है, तो इससे आपको यू नो दाग लगने की शिकायत नहीं रहती है एंड आप अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करते हो. बट जो लोग भी बाहर जाते हैं जिनको ड्राई फार्मूला ज़्यादा अच्छा लगता है एंड उनको इतना रैशेस इचीनेस नहीं होती, तो वो ये वाला फार्मूला ट्राई कर सकते हैं. सो दिस इज एवरटीन जो है कॉटन ड्राई टॉप लेयर है, एंड इट हैज़ नीम सनफ्लावर ऑयल, दिस इज ऑल्सो स्क्रीन फ्रेंडली, एंटी रैशेज, एंटी टैनिंग है ये, एंड ये भी लीक प्रोटेक्शन के साथ बना हुआ है, एकदम जो है टचलेस प्रोसेस के साथ इसको बनाया गया है, तो हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है. एंड इट ऑल्सो हैज 20 पैड्स, एज यू गाइज कैन सी दिस इज ऑल्सो लाइक द सेम जैसा मैं आपको सॉफ्ट वाला दिखाया, बट इट हैज लाइक अ ड्राई फॉर्मूला, तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जो इंस्टेंटली जो फटाक से सब कुछ को सोख लेते हैं एंड ऊपर से एकदम ड्राई रहता है आपको. तो अगर आपको
यू नो गीला गीलापन बहुत ज्यादा महसूस होता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस. इसकी भी लंबाई जो है वो काफी अच्छी है तो पूरा आपको पीछे से लेकर के आगे तक का प्रोटेक्शन देता है. इट हैज ऑल्सो विंग्स तो ये भी बहुत अच्छी बात है. तो मैंने देखा है कि एवरटीन के टैम्पोन्स एंड मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं बट कोई भी लोग उनके सैनिटरी नैपकिन के बारे में बात नहीं करता है. मुझे लगता है कि अफोर्डेबल रेंज के अंदर दीज आर वन ऑफ द बेस्ट सैनिटरी नैपकिन एंड आप इसको कहीं से भी परचेज कर सकते हो. जहां से भी आप परचेज करोगे मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी तो मेक श्योर टू चेक देम आउट. एंड ऑल्सो दिस इज अ इंडियन ब्रांड तो बेसिकली आप लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए इसके अंदर. सो इट हैज ऑल द बेनिफिट जो आपको सैनिटरी नैपकिन के अंदर मिलते हैं लाइक 8 लेयर इसका प्रोटेक्शन है. जेल लाइक जेल की तरह इसको जो है आपके जो है पीरियड ब्लड को लॉक कर देता है. ऑल्सो एडवांस लीक प्रोटेक्शन है इसके अंदर. नॉन इरिटेटिंग स्किन फ्रेंडली है. द बेस्ट बात इज कि स्किन फ्रेंडली है एंड नॉन इरिटेटिंग है. एज यू गाइज नो लड़कियां जानती हैं इस चीज को कि कितना ज्यादा परेशानी होता है उन 4 दिनों में 5 दिनों में जो अगर आपका जो सैनिटरी नैपकिन अगर आपको बहुत ज्यादा रैश एंड इचीनेस दे रहा होता है तो आप इन दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो. मैं इन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूं एंड ऑल्सो पिन कमेंट में तो मेक श्योर टू चेक देम आउट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए खुश रहिए. अल्लाह हाफिज़. जय हिंद. बाय बाय.